हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अदिति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ चॉकलेट की यमी टेस्टी क्विक रेसिपी, बिल्कुल मार्केट जैसी और मार्केट से कहीं ज्यादा टेस्टी यमी क्रीमी चॉकलेट हम यहाँ बनाने वाले हैं, वो भी कोको पाउडर से। कोको पाउडर और बस दो चीजें और हम यहाँ मिक्स करके बनाने वाले हैं यमी टेस्टी मिंटोए बन जाने वाली चॉकलेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर माय लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन, टोटली फ्री। यहाँ हम बिल्कुल मिनटों में बनाकर रेडी करेंगे यमी टेस्टी चॉकलेट, वो भी विदाउट डबल बॉयलर। और डबल बॉयलर के बिना भी हम यहाँ बहुत ही टेस्टी और क्रीमी यमी बिल्कुल मार्केट जैसी चॉकलेट बनाकर रेडी करेंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ मिल्क चॉकलेट, मतलब कि दूध वाली और चॉकलेट चॉकलेटी फ्लेवर वाली। और अगर आप डार्क चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपके आगे आपको कुछ टिप्स दूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा क्यूब डालेंगे बटर का, ज़्यादा बटर भी आपको यहाँ यूज़ नहीं करना है। और जैसे ही हमारा बटर थोड़ा सा मेल्ट होगा हम यहाँ डाल देंगे मिल्क। मिल्क यहाँ हम डालेंगे हाफ कप। और यहाँ पर बस एक बात का आप विशेष ध्यान दें कि जो हमारा फ्लेम है बिल्कुल लो रहेगा। अब यहाँ पर जो मैंने दूध डाला है, मिल्क डाला है, वो सिर्फ हाफ कप है, यानी कि 3 से 4 चम्मच। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक बार और फिर अपने आगे की प्रोसेस करेंगे। और फिर हम डालेंगे इसमें चीनी, और चीनी को भी पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल जो चीनी होती है हमारी वही है नॉर्मल शुगर। और चीनी मैंने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच डाल दी है। और अच्छे से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अच्छे से चला लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद आप इसको कंटिन्यू तुरंत के तुरंत स्टर करें, अच्छे से चलाएं, और आप देखेंगे ये अच्छे से मेल्ट हो जाती है, अच्छे से घुल जाती है। और जैसे ही हमारी जो मिल्क पाउडर अच्छे से मेल्ट होगा इसमें हम डाल देंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने ये वाला कोको पाउडर यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छा होता है। और ये विदाउट शुगर है, विदाउट शुगर फ्लेवर वाला आता है जो वो है। और इसको ये अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इस टाइम पर आप गैस ऑफ कर दें क्योंकि हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्टेड चॉकलेट बिल्कुल अब बनकर रेडी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर इसको जो हमारा सांचा है जिसमें हमें इसको सेट करना है उसको निकाल कर रेडी कर लेंगे। अब हमारी जो चॉकलेट आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। अब आपको बस इसको जमाना है, जिसमें भी आप चाहें उसमें जमा सकते हैं। मेरे पास सिलिकॉन के सेट है जिसमें कि हम इसको जमा कर रेडी करेंगे। अब जो हमारी चॉकलेट है वो हम इसमें सेट करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सिलिकॉन होता है और ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। वैसे मार्केट में ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मेरे पास 2 टाइप के हैं। तो सबसे पहले इसमें हम चॉकलेट को यहाँ पर सेट कर देंगे अच्छे से डालकर। और अगर आप डार्क चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो जब आपने हमने मिल्क पाउडर डाला था तो वो आप उसको ऐड ना करें, उसको स्किप कर दें, तो आपकी जो डार्क चॉकलेट है वो बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल वाइट चॉकलेट बनाना, तो वाइट चॉकलेट बनाने के लिए आप इसमें जो कोको पाउडर है वो ना डालें, तो आपकी जो वाइट चॉकलेट है वो बन जाएगी। बहुत ही आसान है घर पर चॉकलेट बनाना। और इसको हम अच्छे से 6 से 7 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में, फ्रीजर में। और हमारी जो चॉकलेट है बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाती है और बहुत ही कम पैसों में। मार्केट में तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलती है। अब जब भी आपके बच्चे कहें चॉकलेट खाना है तो बस आप मिनटों में उनके लिए ये बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करें विथ माई रेसिपी विथ माई मेथड। अब इसको हम थोड़ा टैप कर देंगे जिससे सारे एयर बबल्स हमारे निकल जाएं। उसको सेट करने के लिए रख देंगे फ्रीजर में। अब जो दूसरा वाला हमारे पास सांचा है सेट करने के लिए, उसमें भी जो हमारी बची हुई चॉकलेट है वो डाल देंगे। धीरे धीरे हम सारी जो सांचे हैं और जितनी भी हमारी बची हुई है चॉकलेट वो उसको फिल कर लेंगे अच्छे से। और ये बहुत ही आसानी से हमारी यमी टेस्टी क्रीमी बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली
चॉकलेट बनकर रेडी हो गई है। अब इसको बस आपको सेट करना है और सर्व करना है बच्चों के लिए चिल्ड। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें विथ माई प्रोसेस विथ माई रेसिपी। ये देख सकते हैं आप कि बस हमने इसको सारे में अच्छे से फिल कर दिया है। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है और बहुत ही मिनटों में बन जाती है। बस आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है। अब इसको धीरे धीरे हम सभी सांचों में अच्छे से भर देंगे और थोड़ा सा टैप कर देंगे जिससे कि सारे जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे और वो अच्छे से बंद हो जाए। और इसकी जो एजेस हैं, जो भी चॉकलेट हमारी निकल रही है उसको आप निकाल लें, जिससे जब भी हम इसको रिमूव करेंगे तो बहुत ही क्लीन चॉकलेट हमारी निकल कर आएगी। तो एक बार जरूर ट्राई करें विथ माई प्रोसेस विथ माई रेसिपी और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। अब 6 से 8 घंटे हो चुके हैं, तो हम देख लेते हैं कि हमारी चॉकलेट कैसी बनी है। वाओ, अब देख सकते हैं कि हमारी चॉकलेट बिल्कुल फाइन, कितनी ज्यादा नीट एंड क्लीन बनी हुई है। यानी कि हमारा जो बैटर है, हमारी जो कंसिस्टेंसी थी चॉकलेट की, वो बिल्कुल परफेक्ट थी। और ये देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसी और मार्केट से कहीं ज्यादा हाइजेनिक और बिल्कुल शुद्ध और साफ हमारी चॉकलेट बनकर रेडी हो गई है। अब जब भी बच्चे जिद करें उनको तुरंत अपने घर पर बनाकर आप खिला सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल कम पैसों में और बहुत ही अच्छी टेस्टी यमी मुंह में घुल जाने वाली क्रीमी मिल्क चॉकलेट बनकर बिल्कुल रेडी है। आप लोग भी जरूर ट्राई करें। अब जो हमारा सेकंड बैच था उसको भी हम रिमूव कर लेंगे। जो छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने यहाँ पर जमाया था वो भी बहुत ही आसानी से निकल रहा है। इसका मतलब कि हमारी चॉकलेट की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही थी। बस मेजरमेंट का ध्यान रखें और अपने बच्चों के लिए साफ शुद्ध घर में ही आराम से बनाकर रेडी करें और उनको खिलाएं, तो आप भी निश्चित और आपके बच्चे भी बहुत ही आराम से और चाव से खाएंगे और मांग मांग के आपकी ये जो डिश है उसको प्लस पॉइंट दे देंगे। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस में साथ जरूर शेयर करें। छोटे छोटे टेडी और छोटी छोटी सी कार हमने यहाँ बनाकर रेडी कर ली है। हमारी टेस्टी यमी मिल्क चॉकलेट बिल्कुल बनकर रेडी है, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आज की ये वीडियो, ये चॉकलेट की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।